Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में आलू को कैसे इस्तेमाल किया जाए पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स यानी कि छाइयां दाग धब्बे झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. तो ये आलू से बनी हुई क्रीम बहुत ही ज्यादा असरदार है आपकी स्किन पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन और दाग धब्बों की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए. इस क्रीम के लगातार इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट ग्लोइंग और रेडियंट तो होती ही है, उसके साथ साथ आपकी स्किन को ये क्रीम बिल्कुल स्पॉटलेस और क्रिस्टल क्लियर बना देगी. और ये आलू से बनी हुई क्रीम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और ये हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है. इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को स्पॉटलेस और क्लियर बनाने में मदद करते हैं. अगर आप इस क्रीम को लगातार इस्तेमाल करेंगे कुछ दिनों तक तो ये क्रीम आपके स्किन को बहुत ज्यादा स्पॉटलेस क्लियर बनाने के साथ साथ आपके चेहरे पर से दाग धब्बे पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन झाइयां और एजिंग मार्क्स जैसे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी और आपको एक बहुत ज्यादा स्पॉटलेस क्लियर ब्राइट ग्लोइंग लुक देगी. तो चलिए अब इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं. तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक आलू और यहाँ पर मैं एक ग्रेटर की मदद से इस आलू को कस रही हूँ. आपको इस एक आलू को बारीकी से कस लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट इसका बन जाए. आलू को अच्छे से कसने के बाद अब हम इस आलू का जूस निकालेंगे और मैं छन्नी की मदद से आलू का सारा जूस निकाल रही हूँ. और अच्छे से सारा जूस निकालने के बाद आपका होममेड आलू का जूस रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा. आलू का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए. आलू के अंदर वो सारे ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को लाइटर और ब्राइटर बनाते हैं. ये आलू का जूस आपकी स्किन पर से जो भी जिद्दी सन टैन है या कोई भी दाग धब्बे आपके शरीर पर हो गए हैं वो ये जड़ से खत्म कर देगा. आलू एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है झाइयों और झुर्रियों को हटाने के लिए. ये एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटर ग्लोइंग और रेडिएंट बनाता है. तो चलिए अब हम ये आलू की क्रीम बनाना शुरू करते हैं. तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच ही आलू का जूस ले रही हूँ. फिर हमें चाहिए शहद यानी कि हनी और यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच शहद इसके अंदर डाल रही हूँ. फिर हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ. और लास्ट में हमें चाहिए एलोवेरा जेल और यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रही हूँ. और एलोवेरा जेल डालने के बाद अब आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से कंबाइन हो जाएं और एक स्मूथ और लम्प फ्री क्रीम बनाएं. और सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी होममेड पोटैटो क्रीम यानी कि आलू की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी. ये क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्लफ़ी होनी चाहिए और काफ़ी स्मूथ और क्रीमी होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ. तो ये आलू की क्रीम बहुत ही ज़्यादा असरदार है आपके चेहरे पर से झाइयां झुर्रियां यानी कि डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन एक्ने स्कार्स हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मार्क्स को रिमूव करने के लिए. ये क्रीम आपकी स्किन पर से सन टैन को भी रिमूव करने की ताकत रखती है. ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है आपकी स्किन के लिए. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए. तो आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. मैं इस क्रीम को इस छोटे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ और आप इस क्रीम को कम से कम 20 से 25 दिन तक एक एयरटाइट कंटेनर में नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं. और इस क्रीम को यूज़ करना बहुत ही आसान है. आप इसको थोड़ा सा अपनी स्किन पर लगाइए और अच्छे से मसाज कीजिए ताकि ये क्रीम आपकी स्किन में डीपली जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे.
और अच्छे से मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसको डेली यूज कीजिए रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।